गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। सुबह के बज चुके हैं, सुबह क्यों, दोपहर हो गई, 1:30 बज गए भाई। और मैंने डॉक्टर के पास चला भी गया था, मतलब मैं और उसे ले लो भैया कैसा मुंह बना रहा है टेढ़ा। हम तो गाय माता को रास्ता दे रहे थे। और भाई मतलब डॉक्टर से कंसल्टेंट ले लिया, एक हफ्ते बाद दोबारा जाना, ठीक है? तो एक हफ्ते बाद दिखाएंगे क्या होता है सिस्टम। बाकी ये है मेरा स्कूल, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 फरीदाबाद भाई। यहाँ से मैंने करी अपनी 12th, देख लो क्या खचा खच भीड़ है। सब ये वाले ड्रेस पहनते थे हम। और ये देखो इस तरफ हमारा एयरफोर्स स्टेशन, ये देखो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भाई साहब क्या जगह है, ऐसी जगह रहते थे हम पहले भाई रियलिटी में फरीदाबाद है ना यार, बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त। मेरे को बहुत याद आती है यहाँ की। मैं यहाँ पर 12-13 साल रुक के गया हूँ, मैंने अपनी जवानी निकाली है यहाँ पर, मैंने अपने स्कूल करे हैं, अपना कॉलेज करा है मैंने यहाँ पर, यार मज़ा आ गया थी। और ये हमारा एयरफोर्स ग्राउंड बहुत बड़ा, ये जो दिख रहा है इसके बगल में है, इसमें पहले खाली पड़ा था, हम यहाँ पर मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे बच्चे वगैरह, हम सब मिल गए यार दोस्त। अब ये पूरा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 स्कूल खोल दें यहाँ पर, ये देखो, सॉरी केवी नंबर 3। हाँ तो धीरे से क्यों बोल रहे, जोर से बता ना कि भाई गलत बोल रहा भाई। ये केवी नंबर 3, यहाँ पर भीड़ लगी, छुट्टी होने वाली ना बच्चों की, मेन एंट्रेंस गेट है। मस्त है ना, ये देखो, ये था 4 नंबर पूरा, ये देखो, ये अपनी गड्डी खड़ी इस तरफ घूमने का एरिया। जैसे देखो अब जितने भी घर है ना, सबके आगे अच्छी खासी पार्किंग है गाड़ी खड़ी करने की, बीच में रोड है रात को घूमने के लिए, और अगल बगल देखो कितनी दूर दूर जाके अपने घर हैं, बाकी पूरा खुला खुला एरिया घूमने का। मैं कह रहा हूँ कोई प्राइवेट सेक्टर भी इतना नहीं देता जितना सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर है, सारे के सारे जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना उनको ही अलोटेड होते हैं। मेरे फादर भी गवर्नमेंट में थे क्यों, अभी भी हैं, तो इसलिए हमारे को मिल रखा था। तो ये जगह मस्त थी भाई। अब फिलहाल क्या है, हम लेके आए हैं छोले भटूरे खाने के लिए, दोनों भाई छोले भटूरे खाएंगे, फिर मैं निकलूँगा घर के लिए, क्योंकि मेरे को एक हफ्ते बाद आना, तो यहाँ एक हफ्ता रुक नहीं सकता, बहुत सारे काम है। तो फिर खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है? तो मिलते हैं बाद में भाई। ये देखो, ये है मीठी लस्सी, बब्बल स्वीट हाउस। और लस्सी देखो ऊपर प्लास्टिक से रैप होती है, ये इसके भटूरे हैं, इनको अवॉइड कर देना, इन चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। ये भटूरे हैं और ये हैं छोले, छोले बल्ले बल्ले, भाई साहब कितना मस्त लग रहा है ना। अब इसको खाते हैं फिर निकलते हैं अपने घर को। भाई किसी को खाना होना, ये अपने दोस्त की दुकान ही है, बब्बल स्वीट हाउस फरीदाबाद में 5 नंबर में। उधर उस सामने वाली गाड़ी में ना बच्चे बैठे थे बहुत सारे, सब ने बाय करा मेरे को, वो देखो भाई। फाइनली फरीदाबाद आउट, ये आगे गुड़गांव वाली पहाड़ी, यहाँ से गुड़गांव, यहाँ से घाटा, उसके बाद लेफ्ट लेके अपना हरियाणा। इसकी गाड़ी में इंडिकेटर नहीं है, हाथ से इंडिकेटर दे रहा बता, वो भी मुड़ना भी नहीं इधर, फिर भी छोड़ो इसको, पहले करो भोले बाबा के दर्शन और उसके बाद करो हमारे बजरंगबली महाराज जी के दर्शन। भाई साहब ये देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। जय हो बाबा, सबको खुश रखना और सबको सेहत देना, जय श्री राम। तब बाबा आ गए अपन फाइनली गुड़गांव। भाई खाली रास्ता था तो मैंने सोचा कैसे न कैसे कवर के भगा भगा के कवर कर देता हूँ। और भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखने लग गए अपने को, मस्त है एकदम। और साथ में दिख रही है रेंज रोवर डिस्कवरी, ये भाई गुजरों के पास, ये गाड़ी अब फरीदाबाद में गुजर ही गुजर, ये बिल्डिंगें भी नहीं गई हैं, रोड भी नहीं गई है, गुड़गांव भी नहीं गई, और बताओ। तो भाई बड़ी मस्त जगह है, मज़ा आ गया। मुश्किल से मेरे को 1 घंटा लगा, मुश्किल 3 महीने बाद भाई फिर हवा, तो गुड़गांव आने में लगा, लेकिन मेरे को 1 घंटा। और ये देखो हॉर्न मार रहा तो रुक गया, नहीं तो ये तो रुकने का नहीं था भाई। वो बिल्डिंग दिख रही है, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं। गुड़गांव में अगर भैंस ही देखी तो फिर क्या देखी है, देखो देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बीच में ऐसा हो जैसे न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क कोई जगह हो। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, रोड भी कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन इनके बीच में ये भैंसे, भाई मज़ा आ गया यार। सही है भाई, बिल्कुल देसी वाली फीलिंग भी और अंग्रेजी वाली फीलिंग, दोनों फीलिंग ले रहे गुड़गांव वाले। होने वाली है बत्ती, क्या बना दिया इन्होंने,
भाई यकीन नहीं हो रहा, इस तरफ तो बिल्कुल खाली था जब मैं पहले आया था। अब देखो भाई साहब, तरक्की कहते हैं इसे कहते हैं तरक्की। भाई साहब क्या सुंदर लग रहा है यार, रोड देख रहे हो, रोड के बगल में डिवाइडर, पेड़ पौधे, ऐसा होना चाहिए अपना महेंद्रगढ़। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देख लो इसी डिजाइन में बनाना, ठीक है? ऐसा मेरा घर होना चाहिए, मेरा मेरे दोस्तों का फ्लैट होना चाहिए, उसके बगल में लगाना चाहिए इंडिया का झंडा। ये देखो आई लव माई इंडिया और आई लव हरियाणा दोनों लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है भाई? मान के जिसने गुड़गांव बनाया ना, एक नंबर का बनाया भाई। बस बारिश के समय मत आना, नहीं ये रोड वर्क कुछ नहीं दिखेगा आपको, इधर के दिख जाए मिडिल वाले तो बिल्कुल खत्म है भाई। यार भाई मुझे एक बात बताओ, ये कब बना दिया? मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, समझ रहे हो? मेरे को रास्ता मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, कहाँ आ गया कहाँ नहीं आया, मुझे खुद पता ही नहीं चल रहा, गुम हो गया लगता मैं। तुम्हारे सामने जा मतलब कितना है, कितना ज्यादा है, देखो आगे तक फुल भरा पड़ा, ऐसे पीछे भी गाड़ियां लगी पड़ी, अगल बगल भी गाड़ियां लगी पड़ी। भगवान आधा घंटे से ज्यादा तो हो गए इस जाम में खड़े खड़े को, और पता नहीं कितना लगेगा। बस ऐसे चल रहे धीरे धीरे, ये टुक 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 कीड़ी वाली चाल। ये देखो भाई यहाँ पर हो गए थे बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, तो उनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है सरकार द्वारा। देखो मैंने कहा था ना तुम्हारी सरकार तुम्हारा भले की सोचती है, तो इसलिए सोच समझ के वोट देना इस बार। चढ़ना यह मेन हाईवे, ये सर्विस लेन, ओके? कितनी सारी जानकारी दे देता हूँ मैं तुम्हारे को फ्री में, वो भी सब्सक्राइब कर लिया करो जल्दी से। इस भाई ने नई नई गाड़ी ली है, ये रही गाड़ी। पहले तो इस भाई को बहुत बहुत बधाई हो, और दूसरी बात बता देता हूँ, नई गाड़ी लिया, पढ़े लिखे हो, फैमिली बैठे साथ में, बाहर शीशा खोले कूड़ा नहीं फेंकते, ठीक है? रोड पे तो बिल्कुल नहीं फेंकते, फेंको जब जब तुम्हारा कोई सफाई कर्मचारी में लग रहा हो कि चलो वो उठा लेगा, नहीं तो मत फेंको, क्योंकि ये रोड हमारे पैसों से भी है, सबके पैसों से है, तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारी गाड़ी है, ओके ब्रो? मतलब इतना कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है, बट कूड़ा मत फेंका कर यार भाई प्लीज। तो एक चीज और दिखा दो, मस्सी, ये देखो द कस्टम गैराज, यही है वो कटारिया वाला भाई वाला, कटारे के भाई है ना, लव कटारे वाला भाई वाला, वही कस्टम गैराज है भाई जिसमें एलवीस और ये सब जाते हैं। बट मेरे को अभी कोई काम नहीं है, वैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पे हिंदू लिखवाई रखा है, हाँ बट अगर कभी कुछ काम हुआ तो, गाड़ी का कुछ भी काम हुआ ना, कुछ भी करवाना मॉडिफिकेशन, तो कस्टम गैराज पे जाऊंगा मैं भी मिल लूंगा भाइयों से इसी बहाने, और वो भी मिल लेंगे हमसे, वैसे वो मुझसे मिलना क्यों चाहेंगे बट मेरे को तो काम कराना है इसलिए मैं जाऊँगा और मैं मिल भी लूंगा। चलो ठीक है डन है। ये देखो किसी ने रोड पे बेचारा कुत्ता मार दिया, मतलब मर गया बेचारा, एम्बुलेंस आ रही है उसको रास्ता दे देते हैं। तो भाई मानेसर पार कर लिया है, और ये देखो बगल में पूरी झील, ये बारिश का पानी भरा हो भाई यहाँ पर, देख रहे हो? ये देखो और ये जाम लग रहा है यहाँ पर। तो भाई देखो यहाँ से राइट लेंगे, ठीक है? अपन अगर आप सीधे चले जाओगे ना तो भाई अलग ही रास्ते से जाओगे कहीं और मतलब ये सीधा रास्ता पता ही नहीं कहाँ जाता, गलत रास्ता है ये वाला सही रास्ता है जिसपे मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से रेवाड़ी, और फिर रेवाड़ी से अपना महेंद्रगढ़, ये हरियाली हमारे यहाँ भी है, बस रोड नहीं है भाई, रोड अब बन रहे हैं। पीछे पीछे तुरती है फेम अजकल, तो भाई रेवाड़ी पहुंच गए, और ये देखो रेवाड़ी पहुंचते ही गाय माता के दर्शन। लो भाई आप लोग भी दर्शन कर लो, शुभ है इसका मतलब, समझ रहे हो? ये चीज शुभ होती है, अपने घर पहुंच गए और माता जी के दर्शन हो गए। आज वैसे मैंने ये पहन रखा है, देखो जींस और लूज टी शर्ट। और भाई एक बात बताऊं, एक सेकंड रुको, तो इतने बड़े बड़े हैं, देख के चलना पड़ता है ना। हाँ मैं यूँ कर रहा था, एक बात बताऊँ भाई, यार ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है ना, पहली बात तो देखो आपको कोई हॉर्न मार रहा है ना तो शायद आवाज़ आ जाए, ट्रक वाले हॉर्न, बाकी कुछ आवाज़ नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे अपने कमरे में बैठा हूँ, कमरे में बैठा बैठा फरीदाबाद पहुँच गया,
अगल बगल जाम लगा पड़ा, ऊपर से ऐसे बैठ के जाता हूँ मैं, ऑटोमेटिक गड्डी अपनी, मजा आ गया। और कुछ होना हो लेकिन मजा आ गया यार। ये देखो यहाँ पर छोटी गाड़ियों की ये दिक्कत होती है, देखो ये गड्ढों की वजह से फंसी पड़ी है। ये कम से कम ये तो भरवा दो यार, हैं थोड़े बहुत तो कुछ तो भरवा दो, ज्यादा नहीं कुछ तो भर दो। कोई कंपटीशन नहीं, ओ मेरी जान आज कोई है न कल कोई है, तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं। कहती है रोमियो जी, रोमियो दे पूरे कटी काले रंग दी बंदूक हुंदी है, ताही लली चली नहीं ओ मुरे खंग दी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने वाले हाईवे पे, महेंद्रगढ़ वाले हाईवे पे। ये देख रहे हो कितना मस्त बन चुका सब कहीं से, इतनी देर से जाम में लगा, जाम में नहीं वो टूटा फूटा रोड होता ना पीछे वाला जो रेवाड़ी के फाटक वाला, रेवाड़ी वाला वो खराब था, बाकी अब सही है, अब डन, अब शूट हम शूट चलो। तो ले लिया रास्ता, थैंक यू। चलो भाई पहुंच गए अपने दोंगड़ा पहुंच गए, और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, ठीक है घर मिलते सीधे। लो फाइनली अपन पहुंच गए अपने घर पे, और ये देख लो अपना गार्डन, और अपनी जानवरी ने गेट खोल दिया। अरे भाई रे मजे आ गए, उसको भी देना पागल हो जाएगा मेरे को देख के, दिखाऊं अभी का तेरे को। ये देखो उसको खोल देना पहले, ये मेरा गार्डन वापिस वापिस आ गया। ओ करे जा रहा मैं छुप जाता हूँ, देना वो भाग के आएगा और देखेगा कहाँ गया मैं, गायत्री गई उसको खोलने, उसको खोल दिया उसने, देखो उसको दिख नहीं रहा मैं अभी, मैंने बहुत मिस किया तेरे को, बहुत ज्यादा मिस किया मैंने, तो बोल उठा के लेके आया, बोल बोल लेके बोल बोल लेके, खुशी देख रहे हो प्यार है बच्चा, तभी तो तेरे से इतना प्यार करता हूँ। अच्छा रखो रखो इसको रखो रखो, हाँ तो रखो इसको ली, चलो जाओ उसको एक दो शॉट खिलाऊंगा ना तब जाके सही हो जाएगा। देख रहे हो कितना काम करना पड़ता है, घर आए घर आके ये भी नहीं गाड़ी भी खड़ी कर दे चैन मिल जाए। वाह वेरी गुड, अगर आप लोग अच्छा लगा यहाँ तक आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं, राधे राधे, पीस, बैक टू होम।